मानेगी संगीत क्लास का टीचर। आज का हमारा सबक अगला सामना सबक का है सबक पीयूं पोरे चेहरे आठवीं क्लास का एट क्लास का हमारा सबक है। ये एक नजर है पोरे चेहरे पोरे सिंधी में कहते हैं मेहनत को जद्दोजहद को कोशिश को मजदूरी को लगन को काम करने को पोरे कहते हैं। पोरे चेहरे पोरे यानी कि मेहनत करने की अहमियत क्या है ये है मेहनत कर तू मेहनत पार मेहनत मुझसे जो सीखा मेहनत कर तू मेहनत पार मेहनत कर करे बच्चे मेहनत जो है ये मर्द का खूबसूरती है मर्द की खूबसूरती है क्योंकि मेहनत से राहत मिलती है मेहनत से दौलत मिलती है ठीक है मेहनत से माल मता हासिल किए तो मेहनत से माल मता और दौलत हासिल होती है मेहनत से असमत हासिल होती है राहत हासिल होती है ठीक है। ये हमारा सबक है सिंधी का कि इस सबक के अंदर हमें बताया गया है कि जो बंदा मेहनत करता है अपनी जिंदगी के अंदर जद्दोजहद करता है वो कभी भी नाकाम और नामुराद नहीं होता बल्कि हमेशा कामयाब और कामलान होता है और फिर इस मेहनत के बलबोते पर उसको हमेशा कामयाबियां ही मिलती है हमेशा वो कामयाब और कामलान रहता है। हमारे सबक का जो खुलासा है मैं वो ये है कि जो इंसान मेहनत करता है वो इंसान बहुत खूबसूरत है अपने बीवी बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल करके काम करता है तो वो आशिक अंदर भी राहत महसूस करता है अपने आप में दिल सुकून महसूस करता है और तमाम तर चीजें उसमें आ जाती है। हमारे इस समय के कुछ लफ्ज और माना है मुश्किल अल्फाज है जिनकी माना ये है नंबर एक भेड़ा भेड़ा की माना है एक साथ सिंधी में लफ्ज होता है भेड़ा यानी कि जो एक साथ लोग होते हैं उनके नजर में होता है। नंबर दो जाग जाग की माना है जागना उठ जाना खड़े हो जाना मेहनत के लिए लग जाना। विनाश विनाश की माना है गुम करना यानी कि खाली वक्त जो है अपना टाइम जो है ऐसे ही नहीं जाया कर देना ऐसे ही नहीं गुम कर देना ठीक है। नंबर चार है भाग भाग कहते हैं नसीब को यानी मेहनत इंसान ने करनी है नसीब अल्लाह ने बनाना है जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नसीब भी अच्छे बनाता है। कुरान कहता है ना वालदै सबिल इंसान इल्ला मा सहा इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो ये जो इंसान दुनिया के अंदर कोशिश करता है अल्लाह ताला उसकी कोशिश को कभी निराला नहीं करता। हमारे इस सबक में अल्फाज और जिद है नंबर एक ओवर ओवर की माना है जो जिद है वो है ओला ओवर कहते हैं यानी कि मशरिक को और ओला कहते हैं मगरिब को ठीक है। आलिम आलिम की जिद है जाहिल आलिम का जमाना को पता है इल्म वाले की जिद क्या है जाहिल जिसको कुछ पता नहीं होता। नंबर तीन पक्को पक्को की जिद क्या है कच्चो है पक्को कहते हैं पक्की चीज को पक्के मकान को पक्के घर को या इस तरह की चीजों को और उसकी जिद क्या है कच्चो है। ये हमारा जो सबक है पोरे अहमद ये मैं असान जिंदगी किताब ये नज़म पोरे अहमद मावर तला है हमारा ये जो सबक है पोरे अहमद ये हमारे सिंधी की आठ क्लास की जो एट क्लास की जो किताब है सिंधी की उससे ये लिया गया है और इसके जो शायर है उनका नाम है शौक अली। तो हमें यही इस सबक के अंदर ये एक सबक मिलता है कि हम मेहनत करें जद्दोजहद करें हमारी मेहनत को कभी भी जाया नहीं होगी और हम इस मेहनत की वजह से हमें राहत भी मिलेगी सुकून भी मिलेगा इत्मीनान भी मिलेगा और मुआशरे के अंदर में एक अहम फर्क भी कराएंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप